नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। हम खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, डाइट में फल सब्जियां ड्राई फ्रूट सब कुछ शामिल करते हैं, लेकिन इस हेल्दी खाने का फायदा शरीर को तब मिलता है जब हमारा पेट ठीक रहे, यानी कि सेट रहे। असल में खराब डाइजेशन सब कुछ बिगाड़ देता है। मीनाक्षी, अमित, दरअसल पेट में दर्द, गैस और डायरिया ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें लोग आमतौर पर मामूली मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सारी गंभीर बीमारियों की शुरुआत खराब हाजमे से ही शुरू होती है। पेट की मामूली लगने वाली गड़बड़ी अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी बड़ी आंत में होने वाले अल्सर का रूप ले सकती है, और ये बीमारी बॉडी में प्रोटीन, न्यूट्रिशन और फैट की डिफिशियंसी तो करती ही है, साथ ही मरीज को एनेमिक भी बना देती है, और अगर ज्यादा समय तक इसे इग्नोर कर दिया जाए तो कोलन कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है कि कोलाइटिस का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो कोलाइटिस के मरीज सही लाइफस्टाइल और अपने खानपान को ठीक रखकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव के मुताबिक योग से कोलाइटिस ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि पूरी तरह से क्योर भी होगा, यानी ठीक हो जाएगा। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। और आज अपने घर में ही लोग योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का सब प्रयोग कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले एक बहुत जबरदस्त क्रिया जो करीब 99% रोगों को दूर करने में सक्षम है। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, लगभग 1 लीटर तक ऐसे हम दूध से, दही से, दूध से, छाछ से और अलग अलग औषधियों से, नीम के पानी से, कायकल्पवाद से और यहाँ तक कि कॉफ़ी से ये एनेमा तैयार करते हैं। और ये एक इसमें ये किस साइज की है, ये 11 नंबर का ये कैथेटर है। अब ये उससे लगा हुआ है, अब ये पीछे इसमें थोड़ा तेल लगा करके, इसमें तिल का तेल लगा देते हैं या नारियल का तेल लगा देते हैं। ये फिर एनएस से पीछे, क्योंकि टीवी की मर्यादा है इसलिए आपको इतने ही बता रहे हैं, आप देखेंगे कि वो पूरा दूध इसके अंदर चला जाएगा। इसको दूध क्षीर बस्ती बोलते हैं, दूध को क्षीर बोलते हैं, क्षीर बस्ती यहाँ हो रही है और ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको क्या नाम है तुम्हारा? शंभू। शंभू, पेट में बहुत दर्द होता था और ये था, एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी, छाती में जलन था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। अब क्या हाल है? अभी आराम है। तो कहाँ से हो? दिल्ली से। ये दिल्ली से आए हैं, अब ये चढ़ता हुआ जब जितना सहन कर पाओ, कोई आधा लीटर, कोई 750 ml, कोई 1 लीटर तक, जैसे मेरा जैसा आदमी है तो 1 लीटर तक ले सकता है। तुम्हारा जितना सहन हो उतना बता देना, फिर इसको टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त क्रिया है, माने सबसे ज्यादा विकार आदमी के दो ही जगह रहते हैं, एक इधर और एक इधर, एक दिमाग में और एक मूलाधार स्वाधिष्ठान में। आदमी दो ही चीजों में जीता है, और ये वासना और ये आदमी के विचार, ये आदमी को पता नहीं कहाँ ले जाके छोड़ते। खैर, यहाँ से तो शुरुआत कर रहे हैं अभी हम, और एक योग की बहुत जबरदस्त क्रिया है, उसको भी आज शुरुआत में कर ही देते हैं, फिर आपको आगे ले चलेंगे एक एक योग की क्रिया, जिससे कि ये इंडाइजेशन नाम का जो रोग है इसका आज नामो निशा मिटाना है। वाह स्वामी जी, आपने शुरुआत ही आज इतनी जबरदस्त कर दी है कि आज का शो तो जबरदस्त जाने वाला है। तो चलो, आप 5 अभ्यास वो बता रहे हैं, चलो करो बेटा, जो सुबह उठ करके पानी पी लो और ये 5 अभ्यास किए तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कब्ज, दूसरी है कोलाइटिस। तुमको कितनी बार जाना पड़ता था? 15-20-25 बार जाना पड़ता था इसको, और या तो आदमी को 20 से लेके मैं देखता हूँ 40 बार तक जाना पड़ता है, या एक बार भी नहीं होता। और सामान्य कंडीशन से लेकर के इसको तो क्या था, इसको रेक्टम कैंसर था। ये बड़ी समस्या ही हो रही है आज, पेट के साथ साथ ही जो पेट के बड़े उपद्रव हैं इनके भी, रेक्टम कैंसर से लेकर के कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन से लेकर के पाइस फिसर और फिस्टूला तक हम बात करेंगे। माने 100 में इन सारी बातों को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे नामुमकिन कामों को ही हमने क्रियान्वित किया है। ये
तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोण आसन, बड़े अच्छे हैं ये। ये इससे पानी सुबह उठ करके प्योर ये अभ्यास करो तो एकदम से पेट साफ होने लगता है। तो आराम आराम से जिससे जितना बन पाए उतना ऐसे करना। अभी थोड़ी देर में हम मिट्टी पट्टी से लेकर के सारे उपचार बताने वाले हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे दाएं तरफ घूम जाओ, यह है कटी चक्रासन। पहले दाएं तरफ छाती जितना दोनों हाथों में फासला, फिर बीच में रुक गए, फिर दूसरी ओर से। अब इसका रेक्टम कैंसर भी अच्छा हो चुका है और फिर बाद में कोलाइटिस था वो भी अच्छा हो चुका है, और इसका कितना जा चुका है, आधा चला गया, और लेगा भाई, पूरा ले ले। ये तो मजबूत है, दिल्ली वाले बड़े मजबूत होते हैं। तो एक लीटर तक ये अंदर चला जाता, आप देख रहे हैं डब्बा खाली होता जा रहा है। और उस ये एक एक पैर थोड़ा सा दाई तरफ हल्का सा मोड़ लेते हैं और थोड़ा पहले पेट पर मसाज कर देते हैं, बाद में पिंडलियों में मसाज कर देते हैं। और ये क्षीर बस्ती, ये लाइव जो है किसी भी टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हम दिखा रहे हैं ये बस्ती, और अब साथ में शुरू हो रही है मिट्टी पट्टी भी आपको अभी दिखाने वाले हैं। एक पेट फौ बीमारियों की जड़ कहा जाता है, और अगर हाजमा दुरुस्त हो तो फिर ये फौ बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर भी रह सकती हैं। तो पांच योगाभ्यास, क्योंकि आपने तो शुरुआत कर ही दी है, तो वो कौन कौन से पांच योगाभ्यास जो हम डेली कर सकते हैं जिससे कोलाइटिस ना हो, और अगर हो गया है तो वो क्योर भी हो जाए? तो पहले पांच अभ्यास तो संप्रक्षालन के कर दिए, और पांच अभ्यास अभी पेट के लिए बता देंगे। उल्टे लेट जाओ, तो एक कॉन्स्टिपेशन के लिए अभी पहले बताया। अब कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन से लेकर के जितने भी पेट के रोग हैं, ये तिर्यक भुजंगासन। उठ करके सामने से कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, सिर इधर करो आचार्य सुमित जी, और ये कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना ऐसे ये, और फिर बैठ करके ये घुटने, दोनों घुटनों पर हाथ ऐसे रखो, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऊपर वाला घुटना नीचे की ओर दबाएं। ये मिट्टी पट्टी हमने इधर रख दी है, इस मिट्टी के पट्टी के अंदर मिट्टी भरी हुई है, और ये पेट पर रख देते हैं, और माथे पर भी रख देते हैं। इससे कितना भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, हाथों में सूजन आ गई हो, अंदर फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का अंदर सूजन हो, ये योग बहुत ही मुझे लगता है कि प्रभावी है, क्योंकि पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है। IBS से लेकर के हाँ, ये जो पांच अभ्यास बताए, अब स्पेशल पांच अभ्यास बता रहे हैं आप, बहुत देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और एक मिनट तक ऐसे करना है ऐसे, और स्वामी जी अमित जिम जाते हैं करके अमित भाई लेकिन फ्लेक्सिबल है ये, क्योंकि कहते हैं कि जिम वाले फ्लेक्सिबल नहीं रहते, लेकिन अमित फ्लेक्सिबल है ना, योगी हो गए ये, क्योंकि योग करने लग गए ना, योग और जिम का संयोग, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। एक दिन इसलिए आपने देखा होगा, मैंने इंडिया टीवी के शो में बोला योग वर्सेस जिम नहीं, योग और जिम साथ साथ जोड़ दो, खेलना, दौड़ना और दूसरे फिजिकल वर्कआउट्स, योग सब जगह जोड़ दो, एक्सरसाइज में भी जोड़ दो, अपने प्रोफेशन में भी जोड़ दो, अपनी एंकरिंग में भी जोड़ दो। तो अब देखो आपकी एंकरिंग भी कितनी परिष्कृत हो गई है, आपका हर प्रोफेशन अच्छा हो जाता है। योग पूर्वक कर्मयोग करने से कोई भी उद्योग कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, उद्यमशीलता, हमारा जो भी प्रोफेशन है उसमें हम ज़्यादा सकारात्मक होंगे, ज़्यादा उत्पादक होंगे, ज़्यादा हम उसमें सृजनात्मक होंगे, रचनात्मक होंगे,
ऐसे एक मिनट तक ऐसे करना है मंडूकासन, ये तो एक जबरदस्त अभ्यास है पेट के लिए। और पेट के साथ में दिमाग में भी गर्मी चढ़ी रहती है, बहुत अशांत रहता है मन, तो मंडूकासन के साथ साथ ये हो गया शशकासन। तो इसलिए यह हमारे, क्योंकि रोगी को दिखाने में थोड़ा असुविधा थी इसलिए हमने अपने आचार्य सुमित जी को ही लेटा दिया। और जो है हम तो यह प्रकृति के साथ तादाद में रखते हैं, इसलिए आज कोहरा खूब है लेकिन ठंड नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ धुंधला धुंधला दिख रहा है। पीछे का हमारा ट्रीटमेंट सेंटर भी योगा ग्राम निरामयम का पूरा दिख नहीं रहा है। मंडूकासन शशकासन जो कर सके वे कर ले वक्रासन, ऐसे 100 बार कपाल भाती करना वक्रासन में बैठ के, एक पैर मोड़ा दूसरा पैर सीधा रखा और ऐसे कर लिया। आज से ही फायदा होगा, अब छोटी छोटी बातें और भी बता देता हूं। एक तरफ हमने यहां पर बस्ती पूरी कर दी है, दूसरी तरफ जो है अभी मिट्टी पट्टी भी चल रही है, हम ठंडे गर्म पानी का सेक भी करते हैं। पेट में देखो कई जगह इन्फ्लेमेशन और फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग और फंगल इन्फेक्शन पेट के ऊपर हो, चमड़ी के ऊपर हो या पेट के अंदर हो, फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है आजकल, कोलाइटिस होता है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन, फिर पाइल्स, फिसर, फिस्टूला, कहते सब बीमारियों की जड़ पेट है, पेट सेट तो सब कुछ सेट। तो मैं कह रहा था सबसे ज्यादा गंदगी आदमी के मूलाधार स्वादिष्ठान या मणिपुर चक्र में रहती है और ऊपर जो है सहस्रार चक्र में होती है। आदमी का पेट ठीक स्वामी जी बता रहे हैं ये वक्रासन, और इसका एक और दूसरा वर्जन जो है मैं थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ, ये इस तरीके से, और थोड़ी देर में स्वामी जी बताएंगे भी कि और कौन कौन से आसन हैं जो पेट में दर्द, जलन, आंतों में दर्द, सूजन, इन सबको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता है कि इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके कमर की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मेरे लिए तो स्वामी जी गुरु हो गए, आप मेरे लिए टीचर बन गई और मैं स्टूडेंट हुआ। तो मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करा देती हूँ, आपका ये पांव थोड़ा सा उधर होगा घुटने के इस तरफ जी, और पीछे कर लीजिए। स्वामी जी कोलाइटिस को वेस्टर्न कंट्रीज की बीमारी कहा जाता था, भारत आप तो जी 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 आप बोल रहे स्वामी जी, फिर मैं टॉपिक अब तो आप इंस्ट्रक्टर भी अच्छी बन गई हो जी। स्वामी जी आप योग गुरु हैं मेरे और मीनाक्षी टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ आप सबका। स्वामी जी लगातार आपके साथ योगा अभ्यास करने का आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये विदेशों में होता था, आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन आज कल इंडिया में भी बहुत हो गया है। आईबीएस ये स्ट्रेस से शुरू होता है और फिर पेट में गुड़गुड़ होती है, अपने यहाँ पर भी बीमारी तो होती थी लेकिन उसका नाम अलग था, बोले मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है, मेरे पेट में जो है वो गोड़े से चलते हैं और ऐसे ही पेट को दबाओ तो आवाज़ें से होती है, तो उसको बोलते थे पेट में गैस बन गई, इसकी नाभि धरण डिग गई और खाया पिया ठीक से हजम नहीं होता और मन खुश नहीं रहता इसका और खाया पिया शरीर में लगता नहीं, ये जो बातें कही जाती थी इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माने आईबीएस शॉर्ट में बोलते हैं। उसके लिए ये पवन मुक्तासन, कपाल भाती 100-100 बार कपाल भाती करना है, उत्तान पादासन और नौकासन, ये तो रामबाण है, एक एक मिनट ऐसे कर लेते हैं मीनाक्षी जी। तो पैर उठाओ बेटा, ऐसे सब करो, अब देखो इसने अपना रेक्टम कैंसर अच्छा कर लिया है, फिर इसको लंग में आ गया तो दोबारा इसलिए यहाँ पर आई, अब ये इंडिया टीवी पर देख करके कर भी रहे थे, फॉलो कर रहे थे, अब इसने अपना रेक्टम तो अच्छा कर लिया है लेकिन वो लंग में आ गया, इसलिए मैं कहता हूँ बीमारी को जड़मूल से ख़त्म करना है तो योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, यहाँ योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा करते हैं और प्राकृतिक जीवन पद्धति, मैं कहता हूँ आहार, विचार और व्यवहार को ही आप अपना उपचार बना लीजिए, इस तरह से
आप एक ऐसी व्यवस्थित जीवन शैली को अडॉप्ट कीजिए। उत्तान पादासन एक मिनट तक, भस्त्रिका, कपालभाति, आभ्यंतर अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ। तीनों तरह से करके बता दिया मैंने, उत्तान पादासन और नौकासन दोनों तरफ से उठा लेंगे। भैया आचार्य सुमित जी की छाती थोड़ा ढक दो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है नंगा लिटाना। स्वामी जी, बड़ी आंत के अलावा पेट में अल्सर भी आम बीमारी बनती जा रही है, तो इन अल्सर पर किस तरह से योग के जरिए या फिर आयुर्वेद के जरिए हम इसे ठीक कर सकते हैं, और साथ ही फूड पाइप हो या पेट का कैंसर हो सकता है इससे, तो कैसे बचा जा सकता है स्वामी जी? देखो ये अभ्यास जो अभी बताए ना, अभी अल्सर के बारे में उसके बारे में भी और बता देंगे। ये अभ्यास तो जरूरी है, पांच आसन तो पहले कर ले, मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब एक्स्ट्रा पांच आसन और बता देते हैं। मैं कहता हूँ 5 से 10-12 आसन कर लो पेट के लिए, तो ये आसन भी बता देते हैं और एक एक उपाय भी बता देते हैं। तो देखो एसिडिटी बोलो, एसिडिटी ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो अल्सर हो जाता है, अल्सर लंबे समय तक रहे तो फिर कोलाइटिस, और जो है उसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, इतना भयंकर पित्त होता है, मैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो यह हमारा हाथ की अंगुली यदि पेट में चली जाए ना अंदर तो गल सकती है, इतनी भयंकर पहले से ही पित्त होता है वो डाइजेशन के लिए। अब उसमें और ज़्यादा पित्त बढ़ जाए तो एक तो तीखी तली मिर्च मसाले ये सब जंक फूड फास्ट फूड ये सब को बंद करना पड़ेगा। तो क्या करें, जिनको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी है वो ये आसन तो करें, इसे तो बंद आसन कर दिया, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन मीनाक्षी जी तो कर लेंगी, आप जोड़ तो आप भी लगाना ही अमित भाई जी। स्वामी जी अच्छे योगी हो, योगी हो और बहुत उपयोगी हो समाज के लिए, अच्छे भाई हो, इससे ज़्यादा मेरा नहीं होगा। कोशिश कर लेना आप भी पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। जो अभी सीख रहे हो मुझे देख ले, अरे आप तो इतना ही हो सकता है, बड़ा अच्छा कर रहे हो, मैंने देखा देखा। मैंने थोड़ा बीच में देख लिया आपको, आज 100 में से 100 नंबर दे दिया, आपको भी पास कर दिया। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये अभ्यास तो सबको करने हैं। फिर इसमें देखो ये जो सर्वांग आसन और हलासन है ना, ये भी पेट के लिए बड़े जबरदस्त होते हैं। ऐसे आधा ही कर ले, अर्धहलासन कर ले, तड़ागी मुद्रा कर ले या सर्वांग आसन कर ले, और जो कर सके एक बहन तो हमारी सर्वांग आसन और हलासन भी कर रही है, क्या बात है, ये बहनें तो पक्की योगिनी हो गई है। ऐसे क्या बैठ जाओ। अब देखो अब एक्स्ट्रा अभ्यास भी बता देते हैं। आज तो भाई अमित जी को और मीनाक्षी जी को 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे, तालियां बजा दो भाई, आज तो दोनों ही पक्की जो है योगी हो गए। और तो अभी देखो तो कितनी बार आता था पहले टॉयलेट? 20-25 बार। अब कितना आता है? अब तो एक बार भी जैसे एकदम से नहीं आता तो सोचती हूँ पानी वानी पी के फिर आता। चलो 20-25 बार आता था, कोलाइटिस ठीक कर लिया। क्या नाम है? हेमलता। कहाँ से हो? हम पूरनपुर से, पीलीभीत। पीलीभीत से आए थे। अब बताओ, ये पीलीभीत से आई थी, पीली पीली शर्ट पहन रखी है, अंदर से लाल पीली हो रखी थी। शुगर हो गया, स्टेराइड चल रही थी उससे। शुगर हो गया था, स्टेराइड चल रही। हाँ, मैंने अपने आप ही बंद कर ली और खूब प्राणायाम करके 2.5 महीना हो गया, अब नहीं खानी। डॉक्टर बोले कि छोड़ दोगी तो मर जाओगी। किसके लिए स्टेराइड देते थे? वही कोलाइटिस के लिए स्टेराइड देते थे। स्टेराइड बंद कर दिए। क्या नाम? हेमलता। हेमलता के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, इसने तो कमाल कर दिया। हेमलता जी जाओगी, छोड़ोगी तो मर जाओगी। देखी जाएगी, बाबा जी सबको सही करते, मैं भी प्राणायाम करूंगी। ये लो प्राणायाम करके ठीक कर लिया इसने। कौन सा प्राणायाम ज्यादा करती थी? मैं ज्यादातर कपाल भाति, अलोम विलोम सभी कर लेती थी। चलो इसने तो जोरदार काम कर दिया। चलो बहुत सारे लोग हैं जिनका अल्सर हमें तुमने क्या ठीक किया, तुम भी आओ। और तुमने कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं उसके। स्वामी जी अल्सर से जूझ रहे लोगों में प्राणायाम, सवालों को भी कर लो इसका। रेक्टम कैंसर के बाद, रेक्टम के कैंसर के बाद मेरे लंग्स में अभी थोड़ा प्रॉब्लम आया है, लेकिन उसको भी मैं 30% थोड़ा डिक्रीज हुआ है अभी। ये लो इसके बाद लंग का कैंसर भी 30% कम कर लिया, पूरा ठीक कर लेगी। और मेरे पेट में कोलाइटिस बहुत था, मैं रोज 10-11 बार जाना पड़ता था, योगा करते करते भी बार बार जाना पड़ता था, मेरे को बहुत वो लगता था।
तो बीच में मैं बस अब कपाल भाती और अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करती हूँ, बाकी एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, रोज करती हूँ रेगुलर। मैंने जो है इसको भी ठीक कर लिया, अब जाओ आप भी, रेक्टम कैंसर और लंग कैंसर भी अच्छा कर रही है और कोलाइटिस था उसको भी ठीक कर लिया। बीच में एक आसन मैंने करके बता दिया, ये बड़ा जबरदस्त था, उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन, इसमें उठते हैं ऐसे अंगुलियों के ऊपर। अब अंगुलियों में दमखम भी चाहिए इतना, करेंगे नहीं। ये जो है हमारे अमित करके दिखाओ, अभी अनुलोम विलोम छोड़ो थोड़ी देर, जारी रखे हुए थे। पद्मासन में बैठ के ऐसे उठना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इतना कर लिया, बहुत अच्छा है अमित। हाँ, मैं कोहनी तक ले आया था, आपने वैसे ज्यादा नहीं हो सकता। स्वामी जी, कोशिश तो मेरी भी रहती है लेकिन अभी कोहनी तक शायद नहीं आता। हाँ, लेकिन स्वामी जी को देख देख के मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, मीनाक्षी आपको भी देख के, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। तो आ जाता है। हाँ। स्वामी जी, आप यदि पकड़ सके पीछे से ऐसे, अच्छा वो तो और मुश्किल होगा, पकड़ ले। आज आपकी क्लास कब है? आज क्लास लीजिए, मैं स्टूडेंट हूँ आज से। आज मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गलत भी कर सकता हूँ, मेरे इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत दिनों से मैंने भी, अच्छा स्वामी जी, जिनको जो नहीं कर पाते इतना काफी है जितना मैं कर रहा हूँ। इससे तो पेट एकदम और जबर, आप सवाल सम्मिलित कर लीजिए। जी स्वामी जी, मैं योग मुद्रासन करता हूँ, वो तो आप भी कर लेंगे, करो जी। स्वामी जी, अल्सर से जूझ रहे लोगों में सिर्फ जलन की परेशानी नहीं होती बल्कि गैस की भी दिक्कत होती है। लंबे वक्त तक अगर ये रहे तो पाइल्स की शक्ल ले लेता है, योग में इसका क्या निदान है? देखो, पाइल्स हो जाए तो हमने नागदोन के पत्ते बता रखे हैं, अतिबला के पत्ते बता रखे हैं, उसका सेवन करें। खाली पेट एक कप दूध में नींबू निचोड़ करके पी ले, 3 दिन में बवासीर ठीक हो जाती है। अब बच गया अल्सर, अल्सर सबसे अच्छा है एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी का जूस, तीनों मिलाकर के पी ले, अल्सर 100% ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी और अल्सर दोनों ही साथ में है तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति शंख कपरदक 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम। ये इतना जबरदस्त है, पहले ही दिन से एसिडिटी ठीक, खाली अव्यपत्ति कर और मुक्ता शुक्ति ले ले तो उससे भी ठीक हो जाती है, खाली मोती पिष्टी ले लेते उससे भी ठीक हो जाती है, और एसिडिटी अल्सर साथ साथ में तो मुक्ता शुक्ति और कहरवा पिष्टी मिला करके, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, आधा आधा ग्राम ले ले तो एकदम ब्लीडिंग एसिडिटी सब एकदम ठीक। और दूधी संजीवनी घास और ये जो दूब होती है जिसको लोग पूजा पाठ में हवन में भी जिससे पानी ऐसे छिड़कते रहते हैं वो भी जबरदस्त है, दूधी घास है ये भी, इसके लिए एसिडिटी और अल्सर के लिए जबरदस्त रामबाण है। जी स्वामी जी, शीशम के पत्ते इसको भी पता है, इसने इसका मतलब यूज किया है। तो तुमको क्या था? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझको जो है ब्लड कैंसर, वो ब्रेन का कैंसर है, वो ब्रेन ट्यूमर है और अल्सी किडनी में कैंसर है, दोनों चीजें हैं एक साथ, गंभीर बीमारियां, और मुझे आए हुए अभी 4 दिन हुए हैं। मुझे किडनी में बहुत आराम है, इतना पेन था और कि बहुत ज़्यादा, और मुझे 4 दिन में बहुत आराम मिल गया, और आज मेरी स्रोतधारा है और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर में बिल्कुल आराम। ये लो, इसको सिर से लेकर के किडनी तक कैंसर हो गया था, अब उसमें 4 दिन में रिवर्स गियर लग गया इसको, ये बड़ी बात है। क्या नाम आपका? जागृति। जागृति पूरी जागृत हो गई है, ये उधर से उठकर के आई दौड़ के, मुझे कुछ कहना है, चल जागृति पूरी करना है ऐसे। तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मीनाक्षी जी, स्वामी जी आप कोशिश कर लो। स्वामी जी, पेट की जो परेशानी है वो जेनेटिक भी होती है, अगर माता पिता में भी किसी का पेट कमजोर है तो बच्चों का भी पेट कमजोर होता है, तो 3 टिप्स दीजिए जो बच्चों का पेट स्ट्रांग कर दे। एक तो बच्चों को जीरा धनिया सौंफ का पानी पिलाएं, जीरा धनिया सौंफ रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी पिला दें, एक तो ये टिप है। दूसरा टिप है सर्वकल्प क्वाथ, हम एक देते हैं आजकल, हमने उसकी गोली बना दी है लिवोग्रीन, खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद। जिनका भी जेनेटिकली लीवर कमजोर हो, आंते कमजोर हो, जेनेटिकली पाइल्स फिसर फिस्टूला तक की ये सब बीमारियाँ जेनेटिकली होती हैं, जेनेटिकली लीवर आते हैं, हार्ट लंग ब्रेन नर्वस सिस्टम और चमड़ी तक कमजोर होती है, हड्डियां तक कमजोर होती है, तो जिनका भी जेनेटिकली लीवर कमजोर हो उनको लिवोग्रिट खाली पे तो लिवामृत खाने के बाद देते, और उनको आसन तो जो आज मैंने बताए थे 5 आसन जरूर करवाएं, और
खाने में चुकंदर, गाजर और अनार, ये तीन तीन चीजों का मैंने प्रयोग बता दिया। सर्वकल्प में भी तीन ही चीजें होती हैं, भूमि, आंवला, पुनर्नवा, मकोय। और सप्ताह में एक दिन अंकुरित जरूर बच्चों को खिलाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इनको मिलाकर के जूस देना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सुधार करें। गोमुखासन, बच्चों को आसन और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बचपन से ही जरूर करवाएं। तो जेनेटिकली जिनका, अब एक और जेनेटिकली ही लोगों को, जैसे कोलाइटिस की बात थी, इसको भी इधर, इसका तो इतना जलन होता था, कलेजा पूरा जलता था, कोलाइटिस भी था और साथ में एसिडिटी भी। खाना ही नहीं पचता था, खाना चाहता ही नहीं था, यहाँ से यहाँ जम जाता था। ओम प्रणाम, मेरा है ना, यहाँ से जाता ही नहीं था, ऐसा लगता था खाओ तो मैं यहाँ ही अटक जाता था। ऐसा लगता कि इतना एक बूंद भी पानी पूर्ण है तो ऐसा लगता था कि मेरा पानी नहीं जाएगा। अब क्या हाल है? लेकिन अभी लॉकडाउन के आपके साथ ही हूँ कभी के। तो लॉकडाउन में हमारे साथ ही मीनाक्षी जी, अमित जी हमारे साथ योग कर रही थी। एक सर्वकल्प, आपके आसन, वो सब कर करके मैंने अभी अच्छा कर दिया है। अब अच्छा कर लिया है, देखो एक बूंद पानी नहीं उतरता, ये अंदर से पैरालिसिस जैसा हो जाता है आहार नली में। पता नहीं यहाँ से कड़क, अभी यहाँ आई ना थोड़ा कड़क था, तो अभी ये सब ट्रीटमेंट यहाँ है, ये मिट्टी पट्टी आदि रख करके। हाँ। सारी बीमारियों की असर आपके पास आकर निकल जाती है, नहीं, लेकिन और बीमारियां जो यहाँ के शरीर से दूर हो जाती है, पूरा ऐसे फाइव स्टार में भी नहीं मिलता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और मेरे घर के बच्चे और सब लोग, मेरी 55 है अब, बहुत खुश है, ये इतनी खुश है, बोल रही थी इतनी खुश तो मैं शादी में भी नहीं थी। स्वामी जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लोग है ना, ये मेरे प्रॉब्लम हुआ ना, तो लॉकडाउन में मैं कहाँ जाऊँ हॉस्पिटल, मुझे तो आयुर्वेदिक में ही पूरा विश्वास है पहले से ही, तो एलोपैथी में जरा भी मुझे जाना नहीं है। तो बोलते कि बताओ डॉक्टर को कहाँ जाऊँ, लेकिन मैं कोरोना में, तो मैंने फिर सब आपका देख कर ही अच्छा किया। अभी बच्चों ने बोला था एलोपैथी में जाओ, ये यहाँ आ गई। और कॉन्स्टिपेशन मेरे यहाँ तीन पेड़ी से, मेरी नानी तीन नहीं चार बढ़ने की नानी, और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि योग और आयुर्वेद का जो हमारा प्राचीन संस्कार है, पीढ़ियों का कब से दूर कर लिया, मेरी बेटी को जाते तो स्वामी जी बेटी को भी उसको भी बता देना, यहाँ जो एनिमल दिया ना उससे अच्छा है जी। और सम्मिलित कर लो जी, सारांश राय का सवाल है, प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कपाल भाती तो जबरदस्त जी। सारांश राय का सवाल है, उनकी मदर को इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन और सूजन है, वो क्या कर सकते हैं? आंतों का सूजन, अब ये बता रही थी तीन पीढ़ियों से, और इसकी, इसको भी, इसकी बेटी को भी कॉन्स्टिपेशन है। तो ये जो क्षीर बस्ती देते हैं, मिट्टी पट्टी जो यहाँ रखी हुई थी, अभी देख रहे थे आप, और अभी ठंडा गर्म पानी की सिकाई करते हैं, वो हॉट और कोल्ड प्रेस बोलते हैं उसको। तो एक बार एक टॉवेल ले ले मोटा सा, और मोटे से टॉवेल को लेकर के पानी में भिगो करके ठंडे टॉवेल को ऐसे रखा, ऊपर से इसको सूखा कपड़ा रख दो, फिर 15 मिनट एक और 15 मिनट गर्म टॉवेल रख दो, तो आंतों की सूजन खत्म हो जाती है। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें, और पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद ले लें, तो इससे आंतों की सूजन अच्छी हो जाती है। और आंतों में सूजन जब लंबे समय तक रहता है तो कोलाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कपाल भाति करें धीरे धीरे, और बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, और शंख कपर्दक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये पाउडर मिला करके ले लें, और चित्रकादी वटी और कुटज घनवटी ये खाने के बाद ले लें जब कोलाइटिस हो जाए। तो कोलाइटिस का भी बता दिया है, आंतों में सूजन का भी बता दिया है। आंतों में जिनको भी सूजन है वो किसी भी तरह से खट्टी चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ठंडे गर्म पानी की पट्टी और मिट्टी की पट्टी रख दी, मिट्टी की पट्टी क्या करना है, मिट्टी की पट्टी को, चिकनी मिट्टी को ऐसे मिला करके, ऊपर नीचे कॉटन का कपड़ा है, बीच में मिट्टी की पट्टी है, और उसको रख दिया पेट पर और यहाँ आँखों पर और माथे पर, तो एकदम ये उसका, मैंने कहा किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन जो होता है वो भी उसे दूर हो जाता है। जी स्वामी जी, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग होती है, वो पूरी तरह से इससे 100% अच्छी हो जाती है। और कुछ पूछ रहे थे अमित भाई, स्वामी जी, और कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो छोड़ना ही नहीं है। जी स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक और दर्दनाक बीमारी है पैंक्रियाटिस, जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, बाहर हो जाता है, ऐसे में लोगों के लिए क्या उपाय है स्वामी जी? ये पेनक्रियाटाइटिस आपने बहुत अच्छा पूछा,
ये कोलाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, हेपेटाइटिस है, सोराइसिस है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, सोराइसिस, ये सब बड़े खतरनाक रोग हैं। एलोपैथी में इनका क्या इलाज नहीं, तो आज पेनक्रियाटाइटिस का बता देते हैं, फिर किसी दिन सारे इसीस का इलाज बता देंगे। इसका इलाज हमारे है, पास में है। तो क्या है, पेनक्रियाटाइटिस में इतना भयंकर पेन होता है कि आदमी दर्द से कहराने तड़पने लगता है, और ये सीधा सा पित्त बढ़ने से होता है। तो एलोवेरा और वीटाग्रास पेनक्रियाज को एकदम अच्छा कर देते हैं और सूजन को ख़त्म कर देते हैं। एलोवेरा और वीटाग्रास ये पिलाएं, और सर्वकल क्वाथ, और देखो इधर ये सामने फूल वाला पौधा है ना, इसको मकोई कहते हैं। हाँ, ये मकोई का पूरा बगीचा ही लगा हुआ है यहाँ पर, ये रामबाण है, तेरे को भी पता है। आजकल तो हमारे रोगी भी जो है वो चिकित्सक बन गए। ये मकोई और पुनर्नवा, ये जो है सूजन, पेनक्रियाज की सूजन आ जाता है ना, तो मकोई, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये फ्रेश पिलाते हैं हम यहाँ। तो मकोई, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये किसी को ताज़ा नहीं मिल पाए तो सर्वकल्प क्वाथ को उबाल करके पी लें, तो उससे पेनक्रियाटाइटिस 100% अच्छा हो जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा होता है उनको हम मोती पिष्टी भी 1/4 ग्राम शहद के साथ चटा देते हैं या पानी के साथ पिला देते हैं, एकदम 100% पहले दिन से फायदा। और ये जो आसन बताए थे, मंडूकासन, वक्रासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रसासन, सेतु बंधासन, जितना भी कर पाए इनमें से 3-4-5 आसन कर लेंगे, 100% पेनक्रियाटाइटिस अच्छा हो जाता है। और ये पेनक्रियाज का पॉइंट है बाएं हाथ में, यहाँ से ये वाला, ये पॉइंट ऐसे दबा दें, आपको भी बताओ, यहाँ से ये तो किडनी का है बीच में, यहाँ पेनक्रियाज का है, अंगूठे के नीचे, कौन से हाथ में स्वामी जी, नीचे पेनक्रियाज है, बाएं हाथ में ये पॉइंट दबाएं, ये पेनक्रियाटाइटिस के लिए पॉइंट है। और आंतों पर सूजन आ जाए तो पैर इधर करो अम्बा, ये आंतों के लिए ऐसे दबाते, ऐसे 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 दबाते, पहले बूढ़ी माता के दबाते थे ना बहुए, तो ये पॉइंट दबाते ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये जो है आंतों की सूजन के लिए, फेफड़े की सूजन के लिए हमने कल ही बताया था सब, ऐसी चमड़ी पर सूजन आ जाती है तो कायाकल्प, नीम, गिलोय दे दे, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, सूजन खत्म। एक और सवाल है, सब ये जो पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के कोलाइटिस सब ठीक होते हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, कपाल भाती और साथ में अनुलोम विलोम जरूर करें, और उल्टे लेट करके पिंडली दबा दें, वो लास्ट में मैं दबाऊंगा आज, वो एक सवाल और है, पेट के लिए जबरदस्त रामबाण है, मैंने दबाते ही पेट में रिलीफ होता है। इतनी कॉमन परेशानी है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को अगर पूछे तो वो कहेंगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता तो है। हिमांशु गुप्ता का ये सवाल है कि उनकी मम्मी को दिन भर डकार आती रहती है, गैस बन जाती है, बीपी शुगर भी बढ़ गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? ये डकार वाली प्रॉब्लम तो स्वामी जी बहुत लोगों को मैंने सुनी है। तो एक तो देखो गैस और चूर्ण तो हम सामान्य रूप से सबको उपलब्ध करा देते हैं, तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और अपने पतंजलि मेगा स्टोर से मिल जाएगा। बाकी घर में मैंने बताया जीरा धनिया मेथी अजवाइन सौंफ, तो ये 5 चीज़ें रात को भिगो दें, सुबह इसको पी लें, और नाभि के ऊपर हींग लगा दें, हींग को थोड़ी सी मात्रा में सब्जी और दाल के अंदर भी खाएं, और हींग जो है ना नाभि के साथ साथ पेट पर और लगा दें, मिट्टी पट्टी के अंदर भी हींग मिला करके और लगा दें, तो गैस्ट्रिक का परमानेंट इलाज है। जीरा धनिया मेथी अजवाइन सौंफ, और मैं सबको बोलती रहती हूँ, सबको बताती रहती हूँ, ये तो 4 पीढ़ियों से, इनके पीछे की 3 पीढ़ी उसको, इसकी बेटी को भी हो गया, तो इसको पता है, ये तो कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस और गैस्ट्रिक के लिए कॉमन, और नाभि पर और पेट पर हींग लगाना, कहते हैं ना मरे हुए आदमी पर क्या हींग लगाते हो, अब जिंदे पर लगा लो। और जिनको आज हम सोयाबीन का पनीर भी बताने वाले हैं जो हमने बनाया हुआ है, जी स्वामी जी, खान पान की सेवा की तरफ भी जाने वाले हैं, उससे पहले स्वामी जी एक बाह्य प्राणायाम और बता देता हूँ जो पेट के लिए रामबाण है, जी स्वामी जी आप बताइए स्वामी जी, दूध से जुड़ा हुआ ही है, हाँ तो दूध से जुड़ा हुआ
जिनको दूध से एलर्जी होती है, दही छाछ से एलर्जी होती है, पनीर से एलर्जी होती है, पनीर डाइजेस्ट नहीं होता उससे भी गैस बनने लगती है, किसी को और खाने पीने की चीज़ों से जैसे आजकल गेहूं के अंदर और चावल के अंदर क्या होता है ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो भी बता देंगे, जिनको यूट्रस और एनस प्रोलैप्स हो जाता है बाहर निकलने लगता है उसके लिए चांगरी का घास और ये बाह्य प्राणायाम कर लिए जबरदस्त है। देखो ऐसे थोड़ी को कंठकूप में लगा दिया, पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा दिया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रख लिया, ये पूरी दुनिया में यूट्रस और एनस बाहर निकलता है, आम गांव के भाषा में बोलते हैं इसकी जो है कांच बाहर निकलने लगी, इसका गर्भाशय बाहर निकलने लग गया, यूट्रस और एनस का प्रोलैप्स होना ये बाह्य प्राणायाम और मूलबंध लगाने से दूर हो जाता है, ये बात बड़ी बात बता रहा हूँ, लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं बोल नहीं पाते, उनका भी इलाज मैंने बाह्य प्राणायाम से बता दिया। और आप कुछ पूछ रहे थे अमित भाई, आप भी पूछ लो, और जो बाह्य प्राणायाम ना कर सके तो कम से कम अग्निसार जरूर कर ले। जी स्वामी जी, कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है और दूध पीते ही पेट दर्द और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है, लेकिन लोग दूध में मौजूद न्यूट्रिशन को कैसे पूरा करें, क्या दूध का कोई अल्टरनेटिव भी है? दूध का अल्टरनेटिव आज बताने भी वाले हैं जी। और एक बात बताता हूँ, जिन चीजों से एलर्जी होती है, यहाँ हमारे पास ऐसे रोगी हैं जिनको सब चीज़ों से एलर्जी थी, खाली गेहूं की रोटी और लौकी खा सकते थे, उनको हमने यहाँ पर फिर गेहूं जो है उनको बाजरा खिलाया, मकई खिलाई, जो खिलाया, दूध पिलाया, पनीर खिलाया, सब चीजें करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं और साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। उनका जीवन तो कितना नीरस हो जाता होगा जो केवल दो चीजें खा पाते हैं। लास्ट आसन बता देता हूँ जी स्वामी, उनको सब चीजें खिला देते हैं और बच्चे हो तो उनको देखो ये तो लक्कड़ पत्थर हजम है, कहते हैं ना मोर को लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है, तो ये मयूरासन और मयूरी आसन मेरी तरह से बोल के मत करना, पूरी पेट में घुस जाएगी। स्वामी जी फिलहाल इसको देखने का ही आनंद लेते हैं, बाद में आपसे सीखेंगे जरूर। तो ये पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है, तो आज खैर बहुत आसन बता दिए, कपाल भाती और अग्निसार तो सब कर लिया करें जी। फिर आप कहोगे आप योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र का समय हो गया, लेकिन आज मौसम बड़ा सुहाना है, रिमझिम रिमझिम थोड़ी थोड़ी ना ये ओस जो है कोहरा पड़ रहा है और इतना आनंद हो रहा है, आप देख रहे हो ऐसा लग रहा होगा जैसे लाइटिंग कर रखी हो जी। पीछे हाँ पीछे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी पर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल लाइटिंग कर रखी है, आसमानी कलर हो रखा पूरे वातावरण का जी स्वामी जी। तो ये भगवान की लाइटिंग है और अब अगले चरण में चलते हैं। तो कई कार्यक्रम हो गए यहाँ पर, बुला रहा है। सब लोग तो यहाँ पर लाभान्वित होके बैठे, उनके पास तो हम जा भी ना सके। और अब मीनाक्षी मुझे योग सिखाएगी कुछ, ये अब देखो ये तो नारियल से नारियल की गिरी हमने निकाल दी, इसका दूध बनाओ भाई, नारियल की गिरी, इसका नारियल की गिरी थोड़ी सी लेके उसको पानी में और मिक्सी में डाल करके और इसको घुमा दे। अब देखो ये नारियल का गिरी जो है इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डाल करके इसको घुमा देंगे तो नारियल का दूध हो जाएगा। बादाम का भी ऐसे ही दूध बनाने वाले हैं आज, पहले नारियल का बनाओ। फिर ये देखो रात भर ये जो सोयाबीन होती है 24 घंटे इसको पानी में भिगो देते हैं, 24 घंटे पानी में भिगो के इसका पानी फेंक देते हैं और फिर इसको मसल लें तो इसका छिलका भी उतर जाता है और फिर इसको पीस लें तो इससे दूध तैयार हो जाता है। एक किलो में 6 लीटर तैयार हो जाता है। घुमाओ घुमाओ ऐसे, इतना जल्दी तैयार थोड़ा होगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 1 किलो में 6 लीटर तैयार हो जाता है ऐसे, और ये तो बहुत जल्दी तैयार कर दिया भाई तुमने हा? और ये फिर इससे पनीर तैयार कर दिया, ये पनीर, तो ये क्या बोलते हैं इसको आज क्या कोफू कोफू क्या बोलते हैं, टोफू 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 ये चाइना में बहुत टोफू जाता है टोफू स्वामी चाइना में बहुत खाया जाता है, लेकिन हम यहाँ योग्राम में जिनको दूध हजम नहीं होता उनको देते हैं। यानी सोया वाला पनीर ज्यादा हेल्दी होता है? हाँ ये ज्यादा हेल्दी है, ये बस बस एक बार बोल तो हो गया बस। अब ये बादाम का बनाते हैं, देखो ग्लास लाओ, ये तो बना दिया हमने
जो है उसका नारियल का दूध, नारियल का दूध हो गया आपको छान करके पी ले, और किसी को मलाईदार पीना हो जो है, अब देखो ये मैं भी पी लेता हूँ। बड़ा अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा वो क्या कहते हैं छोटे छोटे पीस आते हैं लेकिन तो छोटे छोटे इसमें पीस भी है फाइबर वाला। स्वामी जी आप फाइबर वाला दूध हो गया, आनंद लीजिए। तब तक हम बताते हैं कि कल क्या खास आप हमें सिखाने वाले हैं। कल सुबह 7:57 पर योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए जब कसरत में मन ना लगे तो कंफर्ट और मोटिवेशन कैसे मिले। वैलेंटाइंस डे पर स्पेशल पेयर योग रिश्ते को बनाएगा हैप्पी और शरीर को बनाएगा निरोग। स्वामी जी कल का शो भी बहुत खास होने वाला है, मैं और ज्योत्सना भी एक साथ फ्लोर पर होंगे, पेयर योग करेंगे, कल का भी बहुत खास रहेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। देखो अब लास्ट बात, ये जीरा धनिया सूप मेथी का ऐसे पानी और ये नारियल का के साथ में ये बादाम का भी दूध तैयार कर दिया। पहले नारियल का था, ये बादाम को घोट के ये भी दूध तैयार कर दिया। तो ये नई रेसिपी आज बता दी है, दूध माने गाय भैंस का दूध और माँ का दूध तो सबने पिया, बादाम का दूध, नारियल का दूध और सोयाबीन का दूध, इसके साथ आपसे लेते हैं विदा। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सब योगी बने, निरोगी बने। ओम ओम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज सुबह इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है, ब्रेक के बाद